पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। उनका इलाज संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका अस्पताल में चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एमाइलोडिसिस बीमारी से जूझ रहे थे। एमाइलोडिसिस की शिकायत के बाद मुशर्रफ को पिछले 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फ्लोर में बदल गया। उन्हें पिछले साल जून के वेंटिलेटर पर रखा गया था। लंबे समय की बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को याद किया। उन्होंने लिखा, परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, वे एक महान व्यक्ति थे। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ वह शख्स थे जिन्हें की पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय ने ऐसी सजा सुनाई गई थी। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी कंट्री न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहे कंट्री न्यूज के साथ। धन्यवाद।